हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रेशियो चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। सो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। नाउ डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज। अब यहां पर देखिए हमें इक्विटीज नहीं दिए हुए हैं, इक्विटीज इन्होंने मिसिंग रख दिया है, तो कोई बात नहीं, इक्विटीज कैलकुलेट कर लेंगे। सो इक्विटीज कैलकुलेट करने के लिए मैंने बैलेंस शीट बनाई है और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मैं यहां नोट डाउन करता जा रहा हूं। तो देखो क्या क्या बैलेंस शीट में दिया हुआ है। एक तो है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स 12 लाख रुपीस। देन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स 10 लाख रुपीस। टोटल लाइबिलिटीज 10 लाख। अब टोटल लाइबिलिटीज 10 लाख है, इनका मतलब है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। सो लाइबिलिटीज में क्या क्या होता है? सो लाइबिलिटीज में सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, देन रिजर्व्स, रिजर्व्स तो इसमें है नहीं, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज के बाद आती हैं करंट लाइबिलिटीज। एंड करंट लाइबिलिटीज में है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये तीनों हमें करंट लाइबिलिटीज में दिए हुए हैं। सो क्रेडिटर्स 1,60,000, बिल्स पेएबल 1,40,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, ये दिए हुए हैं यहां पर करंट लाइबिलिटी में। नाउ अगर हम टोटल करें, देखें ध्यान से समझना इस पॉइंट को, टोटल लाइबिलिटीज दी हुई है 10 लाख। टोटल लाइबिलिटीज मीन्स एक्सटर्नल, ये मैं यहां ब्रैकेट कर रहा हूं, यहां पर ये जो है इनका टोटल 10 लाख रुपीस है। अब 10 लाख रुपीस में से करंट लाइबिलिटीज जो हैं वो हैं 1, 2, 3, 4 लाख। अगर 4 लाख करंट लाइबिलिटी है और इन दोनों का जो टोटल है, टोटल लाइबिलिटीज का, वो 10 लाख है, तो बाकी नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी हो जाएंगी? 6 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटीज इनकी कितनी हो जाएंगी? 6 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटी है या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी समझ लो, 6 लाख। नाउ एसेट साइड का टोटल है 22 लाख, और आपको पता है बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटी दोनों सेम होते हैं, सो लाइबिलिटी साइड का टोटल भी 22 लाख है। अब अगर 22 लाख में इन दोनों का टोटल माइनस कर दें, इन दोनों का टोटल है 10 लाख रुपीस, अगर हम इन दोनों के टोटल को माइनस कर दें 22 लाख में से 10 लाख, सो इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क रख रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल हमें मिल जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू हो गया 12 लाख। सो देखा हमने क्या किया, हमने सिंपली एक बैलेंस शीट बनाई, वैल्यूज पुट अप कर दिए, टोटल किया एंड बैलेंसिंग फिगर्स फाइंड आउट कर लिए। सो स्टूडेंट्स अब हमें पता है कि इनका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 12 लाख, एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज कितने हैं, 6 लाख,
अब अगर मुझे डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है तो कितना सिंपल हो जाएगा, आप भी समझ सकते हो। सो डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज दैट मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। अब यहां पर शेयर होल्डर्स फंड नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो वही इनका शेयर होल्डर्स फंड हो जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड, सो नॉन करंट लाइबिलिटी है 6 लाख रुपीज एंड शेयर होल्डर्स फंड है 12 लाख रुपीज। सो 6 लाख डिवाइड बाय 12 लाख तो आंसर आएगा 0.5। तो यहां पर लिखेंगे 0.5:1। 0.5:1 का मतलब होगा कि अगर इनकी लाइबिलिटीज 0.5 है तो इनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल 1 रुपीज का है। मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल के कंपेयर में इनकी जो लाइबिलिटीज हैं वो हाफ हैं, हाफ लाइबिलिटीज हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, यहां पर ये आपका है क्वेश्चन नंबर 11। नाउ इतना नोट डाउन करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 12 में देखें क्या दिया हुआ है हमें। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं, मैं लाइंस पेन से ड्रॉ करता हूं बट आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी है। अकाउंट हो, स्टैटिस्टिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी आपको ग्राफ, चार्ट, डायग्राम, टेबल, पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। सो आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ आर कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको पहले इसका फॉर्मूला बता दूं क्या होगा। सो ये रहा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होगा, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेट, लॉन्ग टर्म डेट। सो यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो हमारा कर्जा होगा वो हम कंपनी का देखेंगे। अब इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है हमें सब में, इक्विटी दिया हुआ है, रिजर्व्स, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, सभी के सभी आपको पूरा का पूरा लायबिलिटी साइड आपको दे दिया है इन्होंने। अगर पूरा का पूरा लायबिलिटी साइड दे दिया है और हम इसे टोटल करेंगे तो हमें एसेट्स मिल जाएंगे ना, या फिर बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें एसेट्स की वैल्यू मिल जाएगी। सेम जैसे हमने लास्ट सम में किया था, पूरी लायबिलिटीज दी हुई हैं, पूरी की पूरी लायबिलिटीज अवेलेबल हैं आपके पास। सो अगर पूरी लायबिलिटीज अवेलेबल हैं तो नोट डाउन कर लीजिए आप पूरी लायबिलिटीज को, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए, ये मैंने एक बैलेंस शीट बना ली, रफली बैलेंस शीट बनाओगे, एसेट्स, लायबिलिटीज, ठीक है। नाउ आइए देखते हैं। सो फर्स्ट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 लाख, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्स लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, टू लाख, नॉन करंट लाइबिलिटीज,
4 लैक्स एंड करंट लाइबिलिटी 4 लैक्स। अब अगर हम इसका टोटल करेंगे तो हमें टोटल साइड, टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड मिल जाएगा 10 लैक्स प्लस 6 लैक्स, 2 लैक्स, 4 लैक्स एंड 4 लैक्स। तो ये हो गया 26 लैक्स। 26 लैक्स रुपीस अगर लाइबिलिटी साइड का टोटल है तो एसेट साइड भी टोटल 26 लैक होगा, क्योंकि बैलेंस शीट तो हमेशा सेम होती है। तो यहां पर हमें टोटल एसेट्स मिल गए कि टोटल एसेट्स इनके 26 लाख के होंगे। अब हमें रेशियो कैलकुलेट करना है, कौन सा? टोटल एसेट्स डेट रेशियो। सो टोटल एसेट्स to debt ratio is equals to total assets divide by debt. Debt कौन से? Long term. Long term जो liabilities होती है ना वो यहां पर लिखी जाती है, क्योंकि short term तो current होती है, वो तो जल्दी से हम पे आउट कर सकते हैं। सो टोटल एसेट्स हैं इनके, टोटल एसेट्स हैं इनके 26 लैक्स और इनका जो डेट है नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जिसे कहते हैं ये रहे 4 लैक्स। सो इनकी टोटल एसेट्स 26 लैक के सामने 4 लैक की लाइबिलिटी है, तो हम यहां पर लिखेंगे 6.5:1। 6.5:1 का मतलब हुआ कि 1 रुपीज की लाइबिलिटी के सामने 6.5 रुपीज इनके पास एसेट्स हैं। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, नोट डाउन कर लीजिए आप अभी। बाकी एसेट्स यहां पर क्या हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एसेट्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नोट डाउन कर लीजिए यहां पर। सो स्टूडेंट्स ये आपका 11 एंड 12 नंबर्स हम पूरा हुआ, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13।